good morning. This is VKN Preschool Senior Online Class. Yashubha sir is back. This is the class for UKG students and the subject is English. बच्चों, last class में हमने IEI phonics and words सीखा था. I think आपने homework भी कर लिया होगा. आज हम लोग सीखेंगे IGH. IGH I. Yes. IGH I phonics and words. ऐसे words जिसमें IGH होते हैं. IGH होते हैं. वैसे words देखेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. एच राइट लाइक दिस आई जी एंड एच. सुंदर से इस तरह से लिखते हैं कर्सिव राइटिंग में. एच आई जी एच हाई हाई. एच से साउंड क्या आएगा? ह. और बाकी आई जी एच से साउंड क्या आएगा? आई. हाई. हाई मतलब क्या होता है बच्चों? ऊंचा, ऊंचाई. ओके, कोई चीज अगर बहुत ऊंचा हो, टॉप में हो, हाई बोलते हैं. ओके, एच आई डी एच हाई. यस, बड़ा, ऊंचा, टॉप पोजीशन को हाई बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे एस आई जी एच एंड टी. साइट. साइट एस आई जी एच टी. साइट कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसे उच्चारण कैसे करेंगे? एस आई जी एच टी. साइट. यहां देखिए आई जी एच का यूज हुआ है ना बच्चों? साइट. बच्चों साइट का मतलब क्या होता है? दृश्य, देखना, आंखों से देखना. साइट. यस, आंख से हम क्या करते हैं? साइट हमें मिलती है, हम किसी चीजों को देख सकते हैं. साइट इट इज द एबिलिटी टू सी, देखने की क्षमता को साइट कहते हैं. चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं. R I G H and T, like in a cursive running handwriting. R I G H T, right. R I G H T, right. बच्चों, right का meaning क्या होता है? सही. Right का मतलब सही. Okay, अगर आप कोई answer सही लिखेंगे, miss को अगर सही answer देंगे, तो miss क्या बोलेंगी? Right answer. This is the right answer. राइट का और एक मतलब होता है दिशा दिखाना. गो टू द राइट साइड, शो मी योर राइट हैंड. अपना राइट हैंड दिखाए, दायां हाथ, दायां. राइट का मतलब दायां होता है, राइट डायरेक्शन. ओके, और एक राइट का मतलब क्या होता है? सही, करेक्ट. चलिए हम लोग लास्ट वर्ड देख लेते हैं आईजीएच साउंड वर्ड से, वो कौन सा होगा? एल आई जी एच टी, लाइट. एल आई जी एच टी, लाइट. यहां देखिए आई जी एच साउंड का यूज किया गया है, लाइट. बच्चों लाइट का मीनिंग क्या होता है? लाइट का मतलब रोशनी. लाइट का मतलब रोशनी. द सन गिव्स अस लाइट. द सन गिव्स अस लाइट. सूरज हमें रोशनी देती है. ओके, हाई, साइट, राइट एंड लाइट. हर एक वर्ड को आप 5 times लिखेंगे अपने क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी. पेरेंट्स अच्छे से 4 line की बॉक्स बना देंगे और बच्चे इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, स्पेलिंग्स लर्न करेंगे. गुड बाय किड्स, हैप्पी लर्निंग.